तो क्या लिखा मैंने कि अगड़म बगड़म खुद करेंगे और उंगली उठाएंगे हम जैसे लोगों पे। खोल दी मैंने इन लोग की सारी पोल पट्टी खोल दी। अच्छा, तो वो छप्पन भोग वाला स्टोरी ये, छप्पन भोग वाली स्टोरी ये थी कि गुरुजी ने मुझे बोला कि एक बार कृष्ण जी के गुरुजी थे, वो डोम थे, मतलब कृष्ण जी ने एक बार बोला कि मेरे गुरुजी कहाँ हैं, वो नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे, मतलब मैं भी नहीं खाऊंगा, मेरे गुरुजी खाएंगे तब मैं खाऊंगा। तो उनके गुरुजी को बुलाया गया, वो डोम थे, तो वो डोम को छप्पन भोग परोसा गया, थाली में छप्पन भोग परोसा गया, और उस डोम ने सारी चीज़ें मिला दी एक में। मतलब छप्पन भोग कैसे खाते हैं हम, एक एक करके, थोड़ा उसको थोड़ा चखेंगे, फिर उसको, मतलब एक एक, और उस डोम ने सारी चीज़ें मिला दी एक साथ, इकट्ठे खाने की कोशिश की। तो द्रौपदी ने हिचकी सीखी देख के कि अरे ये तो एक में मिला सारा, ऐसे खा रहा है पूरा ये डोम, एक में मिला के खा रहा है। तो वो डोम नाराज़ होके चला गया, और फिर कृष्ण जी भी चले गए कि अब मेरे गुरु जी नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खा सकता हूँ। तो अब आप समझे, मतलब उस समय मैं इतना नहीं समझ पा रही थी कि इस बात का क्या इशारा गुरु जी कर रहे हैं। तो ये हैं डोम जैसे लोग, हैं अच्छे ये भी, डोम की भी ज़रूरत है हमें, समाज को, दुनिया को, पर वो हर चीज़, वो कौन है जो हर चीज़ एक में मिला। छप्पन भोग हम लोग कैसे खाते हैं, अलग अलग चीज़ को चख के स्वाद लेके, और वो लोग हर चीज़ एक में मिला देते हैं, तो उनको हम गलत भी नहीं कह सकते हैं। अब क्या करें, वो कृष्ण जी के गुरु जी थे वो डोम भी, तो इस तरह। और मेरे साथ लायंसेस में हुआ था, मैं भी डोम हूँ एक तरह की। मैंने अपनी एज बताई तो एक लड़का द्रौपदी वाला काम किया, हिचकी सा लिया, हृदय नाम था उसका, तो मैं नाराज़ हो गई डोम की तरह कि मुझे नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा तो मैं जा रही हूँ। मतलब एक इनडायरेक्टली मैंने कहा कि ये हूँ मैं और नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा तो जा रही हूँ। तो मेरे सामने भी छप्पन भोग था और मैंने भी डोम की तरह सब मिला दिया था, तो ठीक है, मुझ में भी कहीं ना कहीं वो डोम है या था। तो मैं गुरुजी आपकी ना सारी कहानियों को दिमाग में प्रोसेस करती रहती थी कि ये कह रहे हैं तो उसका ये अर्थ है, मेरे जीवन से इसका ये रिलेशन है। इफ़ आई हैड बीन साइकेट्रिक, अगर मैं सीवियरली साइकेट्रिक होती तो कोई चीज़ ध्यान से सुन के समझने की कोशिश क्यों करती। बचपना अपनी जगह, हाँ मेरा बचपना है था, लेकिन दिमागी तौर पे बीमार होना अलग चीज़ है। मैं डायबॉलिक मॉर्बिड बीमार नहीं थी, हाँ बचपना था, अभी भी है मुझे प्यारी ये सारी चीज़ें, बचपनापन, और जो मुझे पसंद करते हैं उनको भी मेरा ये पसंद है, जैसे हस्बैंड को पसंद है मेरा बचपना। ओके।